स्पॉन्सर्ड बाय श्री नटराज ऑयल्स प्योर एडिबल ऑयल्स। बस्सी, पारसोली, बेंगू सहित जिले भर में निकाला फ्लैग मार्च। ग्रामीणों ने किया जगह जगह पर स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की एक प्लाटून सहायक कमांडेंट हीरा लाल जाट के नेतृत्व में 25 से 31 अक्टूबर तक चित्तौड़गढ़ जिले के सभी थानों में परिचय अभ्यास कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बस्सी थाना प्रभारी गणपत सिंह और रैपिड एक्शन फोर्स के निरीक्षक दयाराम मीणा और अनिल राठी के साथ प्लाटून ने थाना क्षेत्र में परिचय अभ्यास किया। बस्सी कस्बे में पुराना बस स्टैंड, खटीक मोहल्ला, नया बस स्टैंड, व्यापारी मोहल्ला, रजा कॉलोनी सहित विभिन्न मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया। परिचय अभ्यास की जानकारी हीरा लाल जाट सहायक कमांडेंट ने दी। रैपिड एक्शन फोर्स ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समाज उपयोगी कार्य, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, योगाभ्यास, जागरूकता, खेल कूद आदि का अभियान चलाया। क्षेत्रवासियों ने फ्लैग मार्च का माला पहनाकर स्वागत किया। जाट ने बताया कि परिचय अभ्यास में इलाके की जनसंख्या, साक्षर और निरीक्षक सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगह तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की सूची तैयार की जाएगी। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से गोपाल खटीक की खास रिपोर्ट।